एक्चुअली मैं कई बार जनरली देखता हूँ, हमारे पास कई बार कई सारे क्लाइंट प्रोजेक्टर रिपेयर्स के लिए लेके आते हैं, तो मेरा एक जनरली 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से 60 से 80% प्रोजेक्टर सिर्फ टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करने की वजह से खराब हो जाते हैं। जनरली क्या होता है ना सर कि प्रोजेक्टर में काफ़ी वेंटिलेशन की ज़रूरत रहती है, मतलब हवा उसमें आनी चाहिए, इसलिए वो हर एक कंपनी हर एक मॉडल में लगभग 3 से 4 फैन यूज़ किए जाते हैं उसको वेंटिलेशन के लिए, और वेंटिलेशन सही तरह से नहीं होता है, उसका प्रिंटर ब्लॉक हो जाता है, तो ओवर हीटिंग की वजह से अंदर का लैम्प, ब्लास्टर बोर्ड, टिकॉन बोर्ड, ये सारी चीज़ों में खराबी आने की चांसेस रहती है। तो इतना महंगा अगर कोई प्रोजेक्टर हम खरीदते हैं तो उसको हर साल में एक बार मिनिमम सर्विसिंग होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा मतलब रास्ते के बाजू में यूज़ करते हो या जहाँ पे धूल मिट्टी का ज़्यादा कांटेक्ट आता है तो साल में 2 बार सर्विसिंग करना चाहिए। सर्विसिंग में बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, बट ये नॉमिनल चार्जेस देने की वजह से मतलब देने के बाद आपकी प्रोजेक्टर की लाइफ 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है डेफिनेटली। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि साल में मिनिमम एक बार प्रोजेक्टर की सर्विसिंग की जाए।